so many memories. But we don't have our song. Wait, I found our song. Hey guys, welcome to our channel. आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी सेलिब्रिटी के बारे में जो अपने डांस और ग्लैमरस अपीयरेंस के लिए नहीं बल्कि अपने स्ट्रगल्स और जर्नी के लिए काफी जानी जाती हैं। हम बात कर रहे हैं सर्बियन ब्यूटी नताशा स्टैनकोविक की। They have been tired right now. Because I'm not used to. बॉलीवुड और क्रिकेट की दुनिया में मशहूर नाम बन चुकी है नताशा के बारे में काफी कुछ सुना होगा, लेकिन आज हम आपको उनकी लाइफ की कुछ ऐसी अनसुनी कहानियां बताएंगे जो शायद आपको पता नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नताशा स्टैनकोविक जब सर्बिया से इंडिया आई थी तब बॉलीवुड की दुनिया उनके लिए बिल्कुल नई थी। कोई कॉन्टेक्ट नहीं, कोई इंडस्ट्री बैकग्राउंड नहीं, सिर्फ अपना सपना लेकर वो इंडिया पहुंची थी। उन्होंने अपना करियर एज अ मॉडल शुरू किया, लेकिन बॉलीवुड में एंट्री उतनी आसान नहीं थी जितना लोग सोचते हैं। पहले कुछ स्मॉल एड शूट और फैशन शोज किए, लेकिन उनका बिगेस्ट ब्रेक आया 2014 में जब उन्होंने बिग बॉस सीजन 8 में एंट्री की। इस शो ने नताशा को इंडिया के हर घर में एक पॉपुलर फेस बना दिया। नताशा को सबने पहली बार मेजर अटेंशन में देखा था बादशाह के हिट सॉन्ग डीजे वाले बाबू में। लेकिन क्या आपको पता है कि उनका सिलेक्शन कैसे हुआ था? जब बादशाह और उनकी टीम किसी फ्रेश फेस की तलाश में थे तो उन्होंने एक ऑडिशन रखने का सोचा था। नताशा अपने सर्बियन बैकग्राउंड की वजह से कॉन्फिडेंट थी, लेकिन लैंग्वेज बैरियर की वजह से उन्हें डर भी लग रहा था। फिर भी उन्होंने अपने डांस और एक्सप्रेशन से सबको इम्प्रेस कर दिया और इस म्यूजिक वीडियो का हिस्सा बन गई। उनके इस बोल्ड और कॉन्फिडेंट एटीट्यूड ने उन्हें ओवरनाइट एक सेंसेशन बना दिया। नताशा और इंडियन क्रिकेटर हार्दिक पांड्या की लव स्टोरी भी किसी फिल्म से कम नहीं। 2020 में जब उन्होंने अपनी एंगेजमेंट की न्यूज सबके सामने रखी तो फैंस शॉक्ड और एक्साइटेड हो गए। लेकिन इस कहानी में एक ट्विस्ट है जो बहुत कम लोग जानते हैं। जब नताशा और हार्दिक की पहली मुलाकात हुई थी तब वो एक पार्टी में कैजुअली मिले थे। उस दिन दोनों ने थोड़ा टाइम एक दूसरे के साथ बिताया, लेकिन वो बस एक नॉर्मल इंटरेक्शन था। इसके बाद कुछ महीनों तक दोनों के बीच सिर्फ नॉर्मल कॉन्वर्सेशन हुई। फिर एक दिन हार्दिक ने नताशा को एक स्पेशल आउटिंग के लिए बुलाया और वहीं से उनकी लव स्टोरी शुरू हुई। और बात तब और पक्की हो गई जब हार्दिक ने न्यू ईयर 2020 के दिन नताशा को एक यार्ड पर प्रपोज किया। नताशा और हार्दिक पांड्या की एंगेजमेंट के कुछ ही महीनों बाद उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी की खुशी सोशल मीडिया पर शेयर की, लेकिन उनके इस अनाउंसमेंट के बाद कुछ लोगों ने उनको टारगेट किया। स्पेशली सोशल मीडिया ट्रोलर्स ने उनकी रिलेशनशिप और उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी नेगेटिव कमेंट्स किए। बहुत लोगों ने उनके बैकग्राउंड और हार्दिक के साथ उनकी रिलेशनशिप को लेकर काफी सवाल उठाए, लेकिन नताशा ने इन ट्रोल्स को हैंडल करने का एक यूनिक तरीका अपनाया। उन्होंने सोशल मीडिया से टेम्पररी ब्रेक ले लिया और अपना फोकस फैमिली और खुद पर लगाया। ये उनकी स्ट्रेंथ और पेशेंस को दिखाता है जो उन्होंने अपने करियर और लाइफ के हर एस्पेक्ट में मेंटेन किया है। लोग नताशा को मोस्टली एक मॉडल और डांसर के रूप में जानते हैं, लेकिन उनका एक हिडन पैशन है एक्टिंग के लिए। बॉलीवुड में सत्याग्रह जैसी मूवीज में छोटे मोटे रोल्स करने के बाद नताशा अपने एक्टिंग करियर को और एक्सप्लोर करना चाहती थी। उन्होंने इसके लिए प्रॉपर एक्टिंग ट्रेनिंग भी ली थी। आपको ये जानकर काफी हैरानी होगी कि उन्होंने काफी ऑडिशंस दिए और उनकी कोशिश थी कि वो अपने ग्लैमर की इमेज को तोड़कर एक स्ट्रॉन्ग एक्टर के रूप में सबके सामने आए। अब वो एक्टिंग प्रोजेक्ट्स की तलाश में हैं जहां वो अपने इस हिडन टैलेंट को एक्सप्लोर कर सके। डांस तो नताशा की लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट रहा है। सर्बिया में भी उन्होंने क्लासिकल डांस की ट्रेनिंग ली थी और जब वो इंडिया आई तो उन्होंने बॉलीवुड के डांस स्टाइल को सीखने के लिए भी काफी टाइम दिया। नचवलिया 9 में वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड अली गोनी के साथ भी नजर आई थी, जहां उन्होंने काफी अटेंशन ग्रैब की थी और लोगों ने उनके डांस मूव्स को काफी पसंद किया था। इस शो ने उन्हें एक डांसर के रूप में एस्टेब्लिश कर दिया था। डांस के लिए उनकी डेडिकेशन दिखाती है कि वो सिर्फ एक प्रीटी फेस नहीं बल्कि एक ऑलराउंडर परफॉर्मर है। नताशा ने 2020 में अपने बेटे अगस्त्य को जन्म दिया। मदरहुड का सफर उनके लिए एक ब्यूटीफुल जर्नी रही है, लेकिन इसके साथ उन्होंने अपने करियर को बैलेंस करना भी सीखा। अक्सर उनको अपने सोशल मीडिया पर वर्कआउट करते हुए और अपनी हेल्थ और फिटनेस को मेंटेन करते देखा जाता है, जो उनकी स्ट्रॉन्ग विल पावर और डिटर्मिनेशन को दिखाता है। ये थी नताशा स्टैनकोविक की कुछ अनसुनी कहानियाँ। उनका सफर हम सबके लिए एक इंस्पिरेशन है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, नताशा स्टैनकोविक के फैंस के साथ शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए डेली ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं। तो मिलते हैं आपसे कल एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग फिल्मी अटैक।